सुरेश राजे हैं कांग्रेस के विधायक, सर सदन में वॉकओवर किया है, बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमने सदन में उनके खिलाफ दिया था अवमानना का नोटिस, तो वो स्वीकार नहीं हुआ, ग्रहण नहीं किया हमारा, और ये गलत बात है। देखिए, वो हमारे पे कितना बड़ा आरोप लगाया, सदन में कितना बड़ा गुमराह किया, पिछले सदन में मैं था, हमारे जीतू पटवारी को इसी बात पे बर्खास्त कर दिया था पूरे सत्र के लिए, लेकिन हम उसी वजह को लेकर हमने कहा कि 2022 में सरकार भाजपा की थी, तत्कालीन मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया, लेकिन वो गुमराह कर रहे सदन को कि जैसे आप कांग्रेस के समय में किया, हमारी बात सुनी नहीं गई। और हमने मोहन यादव जी से बराबर मांग की कि आप जो है जब तक विश्वास सारंग जी को आप मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। कांग्रेस ने तमाम सारी मुद्दों की बात की, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कोई रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा। नहीं देखिए, अब हमारा जो काम था विपक्ष का वो हमने किया, अब उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिया तो ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। बाकी कांग्रेस ने तो जनहित का मुद्दा उठाया, देखिए ये इतने मुद्दे हैं, उनसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, इसमें नर्सिंग कॉलेज में कौन जाएगा, कौन जाएगा, क्या हो रहा है बेटियों के भविष्य के साथ, क्या हो रहा है नौजवान के भविष्य के साथ, ये बात कर रहे हैं कि हम जो है किसान का हित करेंगे, क्या किसान का हित करेंगे, किसान को खाद समय पर नहीं मिल रहा, बीज समय पर नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कैसे किसान की आय दुगनी करेंगे, ऐसे करेंगे दुगनी आय, ये तमाम मुद्दे हैं। ये लाडली बहना का छलावा किया उन्होंने, वोट लेने के लिए कह दी कि 1500 दे रहे हैं अभी वोट दो फिर 3000 करेंगे, किया क्या, तमाम लाडली बहनाओं को पता ही नहीं है, लाखों की संख्या में लाडली बहनाओं के नाम काट दिए गए हैं, बुजुर्ग जिनको जरूरत है 60 साल के ऊपर के माता पिता को, बुजुर्गों को उनकी पेंशन मिल नहीं रही है, तमाम तरह की चीजें, ये सरकार पूरी तरह असफल है।